Z1X। हाँ गाइज, आप लोगों को यहाँ पे पता है वीवो ने यहाँ पे मतलब लीक्स निकल के आ रही है कि वीवो का ये जो Z सीरीज है उसमें एक नया स्मार्टफोन आने वाला है, और यहाँ बोला जा रहा है कि वो वीवो का Z1X होने वाला है, Z1X। तो इस फोन में हम इसी फोन के बारे में बात करने वाले हैं, ये फोन कब आ रहा है और किस प्राइस के साथ आ रहा है और क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लिए सब्सक्राइब तक आपने, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीवो का जो Z1X आप बोल सकते हैं, Z1X जो आने वाला है ये एक अच्छा फोन होगा। Z1 प्रो से थोड़ा अपग्रेड वर्जन हो जाएगा, डिस्प्ले वाइज कैमरा में थोड़ा सा आपको अपग्रेड मिल जाएगा, तो मैं बोलूंगा अभी Z1 प्रो मत ले लेना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के, सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बारे में, देन बात करता हूँ मैं लास्ट में प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते तो इसमें मैं सबसे पहले बात करता हूँ डिजाइन के मामले में। डिजाइन हमें कुछ वैसे ही ब्लू ग्रेडिएंट कलर, जैसे भी आपको कलर चाहिए वैसा आपको मतलब अच्छे अच्छे कलर्स आपको इस फोन में देखने मिल जाते हैं। डिजाइन अच्छा है और बट पॉलीकार्बोनेट की फील है, वीवो S1 जैसा दिखता है, तो डिजाइन वाइज वीवो का Z1X अच्छा ही देखने मिल जाता है। डिस्प्ले में हम लोग बात करते हैं, डिस्प्ले के यहाँ पे मिलने वाला एक 6.4 या 6.38 इंच का एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले, जो एक फुल HD प्लस डिस्प्ले और AMOLED डिस्प्ले है, जो मुझे बहुत ही बढ़िया बात लगी, बिकॉज हमें एक अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है 6.38 इंच या 6.39 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले है, AMOLED पैनल है। बट हाँ यार, आपको एक बात इस फोन की अच्छी नहीं लगी कि वो इसका इन्फिनिटी यू नॉच, हाँ भाई हमें यहाँ पे एक यू शेप वाली नॉच देखने मिलने वाली है इस फोन के अंदर। यार अब इस प्राइस में हम ना एक्सपेक्ट करते हैं कि यार एक AMOLED पैनल की, बट अब यहाँ पे फिर से हमें यू नॉच देखने मिल जाएगी। तो डिस्प्ले वाइज में मैं जब भी बोलता हूँ AMOLED पैनल है, बहुत ही बढ़िया, और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिलता है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी है। बात कर लेता हूँ गाइस अब यहाँ पे इस फोन के मैं प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो क्या इस फोन का प्राइस होगा मैं आपको बता दूँ कि इस फोन का जो चाइना के अंदर जो उसका 6 GB रैम और 64 GB वाला वेरियंट है, जो बेस वेरियंट है, वो वहाँ पे स्टार्ट हुआ है 16,000 रुपये से। अब इंडिया में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 16,000 ही में आए, बिकॉज आपको पता है वीवो Z1 प्रो का बेस वेरियंट 14,990 में आता है ना, तो ये कैसे होगा अब ये देखा जाएगा कि इंडिया प्राइस इसकी क्या होती है। 16,000 होती है, तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया फोन ये आपको देखने मिल जाएगा, और आगे भी आपके वेरियंट्स आपको देखने मिल जाएंगे, 6 GB रैम और 128 GB, 8 GB रैम, 128 GB। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अब इस फोन की कुछ क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में, जैसे हम लोग आ रहे थे डिजाइन में, कर लेते हैं इस फोन की चिपसेट के बारे में, कौन सा चिपसेट हमें इस फोन में देखने मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें हमें मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 712 का प्रोसेसर, जो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। आपको पता है वीवो Z1 प्रो में हमने इसकी परफॉर्मेंस देखी ली, बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इस फोन में देखने मिल जाएगी, और इस प्राइस के हिसाब से ये प्रोसेसर अच्छा भी है, तो प्रोसेसर वाइज भी आपको फोन अच्छा मिल जाएगा। बात कर लेता हूं अब इस फोन के कुछ कैमरास के बारे में, बिकॉज यहाँ पे कैमरास में थोड़ी चेंजेस हैं। बात कर लेता हूँ रियर में, इसमें हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिला, ट्रिपल रियर कैमरास हैं, तो मेन सेंसर जो होगा वो 48 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, जो सैमसंग का GW1 वाला सेंसर, मैं सोच रहा था सोनी का मिल जाता तो, बट सैमसंग का सेंसर है आपको इसमें फोन में देखने मिल जाता है। देन आपको अल्ट्रावाइड कैमरा मिलेगा, डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, तो तीन कैमरास आपको रियर के साइड में देखने मिल जाने वाले हैं। सेल्फी कैमरा में बात करता हूँ, तो सेल्फी में हमें वही 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिल जाएगी, एक यू शेप नॉच के साथ, जैसे हमें वीवो Z1 प्रो में मिली, तो बहुत ही बढ़िया सेल्फी आपको इस फोन में देखने मिल रही है, तो सेल्फी कैमरा वाइज फोन बहुत ही लाजवाब है। बात करें तो बैटरी के बारे में, इस फोन में हमें कुछ 4,500 mAh की बैटरी मिलने वाली है, टाइप सी भी होगा, और इसमें हमें 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलने वाला है, जो मुझे बहुत ही बढ़िया बात लगी, बिकॉज वीवो Z1 प्रो में इतना फास्ट चार्जिंग नहीं था, बट इसमें बहुत ही बढ़िया फास्ट चार्जिंग। आप बोलेंगे उसमें 5,000 mAh थी, इसमें 4,500 mAh क्यों, तो ये बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी कि ठीक है उन्होंने बैटरी कम की मगर बहुत जल्दी आपकी फास्ट चार्जिंग कर दी, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग का यार आजकल फीचर होना ही होना चाहिए, कि आप टाइप सी ना दे कुछ भी चलेगा, मगर आपको फास्ट चार्जिंग तो देना है। अब ये मुझे नहीं पता इसमें माइक्रो USB है कि टाइप सी, आप मुझे कमेंट कर बताओ आपको क्या लगता है, लेट्स सी। तो भाई बढ़िया बैटरी बहुत अच्छी है और फास्ट चार्जिंग भी है। UI की अगर बात करूँ, एंड्रॉइड एंड आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, और ये फन टच OS के साथ रन करेगा वीवो का ही। एंड गाइस ये पूरा वीवो का Z1X। एंड लास्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ इस फोन के मैं यहाँ पे लॉन्च डेट के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में बात करता हूँ, तो ये आपको सेप्टेम्बर की स्टार्टिंग में देखने मिलने वाला है, और बोल सकते हैं मिड ऑफ मतलब 15 सेप्टेम्बर से पहले ही आपको देखने मिल जाएगा, तो बढ़िया जितने एक्सपेक्टेशन हो जा रही हैं, तो बढ़िया आपको ये फोन जल्दी देखने मिलने वाला है, और बढ़िया फोन है आई थिंक मेरे हिसाब से वीवो की तरफ से, वीवो का Z1X, और मैं यही बोलूंगा कि Z1 प्रो भी अब मत बाय करो, बिकॉज उससे बेटर फोन ये आ रहा है, और 1-2,000 रुपये ज़्यादा देके हमें AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग मिल रही है, तो आई थिंक आप चाहो तो इस फोन का वेट कर सकते हो, परफॉर्मेंस भी सेम है, तो आई थिंक ये आप लोगों की तरफ से मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी। और भाई इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया ना, तो इस वीडियो को लाइक करके जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी टेक्स रिलेटेड डेली कंटेंट लाते रहता हूँ। एंड मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।